गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टुंगुनाथ। फ्रेंड्स, यहाँ का जो मौसम है बहुत खराब है। फ्रेंड, आप मेरा उत्तराखंड चार धाम यात्रा का 6 नंबर पार्ट देख रहे हैं, 6 नंबर दिन का। इस वीडियो में इस 6 नंबर पार्ट का 6 नंबर दिन का पूरा जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले टुंगुनाथ मंदिर दर्शन, उसके बाद चोपता वापस आना, फिर चोपता से गोपेश्वर होकर चमोली होकर जोशीमठ, फिर विष्णुप्रयाग होकर बद्रीनाथ मंदिर दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ विष्णुप्रयाग में। ये विष्णुप्रयाग ऋषिगंगा नदी एंड अलकनंदा के संगम स्थल है। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बद्रीनाथ में हूँ। तो बद्रीनाथ में हमारा कोई रूम बुकिंग नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर रूम देखना। फ्रेंड्स, इस वक्त हम बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर नहाएंगे गर्म पानी में। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बद्रीनाथ मंदिर के सामने आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टुंगुनाथ। फ्रेंड्स, यहाँ का जो मौसम है बहुत खराब है। चारों ओर पूरा फॉग भरा हुआ है और उसके साथ बहुत बारिश हो रहा है। और कल शाम को हम लोग जब यहाँ आया था, तब तो भीगते भीगते आया। आके यहाँ पर एक रूम ले लिया, रूम लेके दर्शन भी हम कर लिए रात को, लेकिन उसका वीडियो हम बना नहीं पाए। तो चलिए, आज सवेर में यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। पहले आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले चल के जितना हो सके आपको हम दिखाते हैं बाबा टुंगुनाथ का मंदिर, और साथ में अभी फिलहाल जो यहाँ का परिस्थिति है वो परिस्थिति को। ये रहे मेरा टुंगुनाथ में रहने के लिए गणेश होटल। कल रात को हम लोग यहीं पर थे। ये रहे गणेश होटल का बाहर का नज़ारा। वैसे भी यहाँ पर कुछ होटल एंड होम स्टे है, फिर भी यहाँ पर कुछ नए तरीके से होटल एंड होम स्टे बनाया जा रहा है। यात्रियों को यहाँ पर रहने के लिए कोई असुविधा नहीं होगा। सुबह में जल्दी से उठ के फ्रेश होकर हम लोग टुंगुनाथ मंदिर की तरफ चल रहे हैं। आगे भी कुछ यात्री हैं, आप लोग देख रहे हैं। टुंगुनाथ में देखने के लिए और एक स्पॉट है, वो है चंद्रशिला, जो टुंगुनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी में है। टुंगुनाथ मंदिर के एकदम नज़दीक हम लोग आ गए हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं वो टुंगुनाथ का गेट, और इसका थोड़ा आगे ही है टुंगुनाथ का मंदिर। मौसम बहुत ही ख़राब है, आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। चारों ओर पूरा फॉग भरा हुआ है और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। कुछ यात्री यहाँ पर है, तो चलिए आपको हम आगे ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं बाबा टुंगुनाथ मंदिर को। टुंगुनाथ मंदिर के पास हम लोग आ चुके हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं कुछ बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर चारों ओर भीगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रहा है। और ये देखिए टुंगुनाथ मंदिर, जय हो बाबा टुंगुनाथ जी का। अगर मौसम साफ होता तो इसका नज़ारा और भी अच्छा लगता। टुंगुनाथ मंदिर देख के वापस चोपता आकर हम लोग गाड़ी लेकर रवाना हो चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। रोड भी वैसा ही है, चारों ओर पूरा फॉग भरा हुआ है और रोड पूरा भीगा है। चोपता से लेकर के बद्रीनाथ जाने वाला रोड इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि इस रोड वीडियो को मैं आपको बिना दिखाए रह नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ रोड वीडियो इस ब्लॉग में डाले हैं, तो आज इस रोड वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चोपता गोपेश्वर वाला रोड छोड़ के अब हम लोग चमोली में आ चुके हैं। ये चमोली हरिद्वार बद्रीनाथ जो हाईवे है वो हाईवे के ऊपर पड़ता है। तो आगे हम लोग चलते हैं बद्रीनाथ के लिए, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।
चमोली छोड़ के हम लोग जोशी मोड़ प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं जोशी मोड़ टाउन। इधर से गुजरते हुए हमारा गाड़ी आगे चल रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं जोशी मोड़ का वो खूबसूरत सा नज़ारा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर मेरा चैनल का एक दर्शक है या फिर आपने अभी अभी मेरा चैनल का वीडियो देखना शुरू किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही इस तरह के टूर रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में एक लाइक करना मत भूलना। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ विष्णुप्रयाग में। ये विष्णुप्रयाग ऋषिगंगा नदी एंड अलकनंदा के संगम स्थल है। बहुत बढ़िया प्लेस है ये, बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये विष्णुप्रयाग। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो नदी आ रहा है, ये सीधा आप देख रहे हैं, ये है ऋषिगंगा नदी, देखिए। और ये जो इस तरफ से ये जो नदी आ रहा है, ये वाला नदी है, ये है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी का यहाँ पर संगम हुआ है। विष्णुप्रयाग को पार करके अब हम लोग गोविंद घाट प्रवेश कर चुके हैं। ये गोविंद घाट का एक खैसियत है, जानते हैं फ्रेंड्स? हेमकुंड साहिब का यात्रा ये गोविंद घाट से शुरू होता है। गोविंद घाट से लगभग 17 किलोमीटर पैदल जाने के बाद फिर है हेमकुंड साहिब। यहाँ पर भी बहुत टूरिस्ट आता है घूमने के लिए। मेन प्लेस छोड़ के हम लोग आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने वाली रोड पर एक पावर प्रोजेक्ट पड़ता है। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं वो पावर प्रोजेक्ट, यह है विष्णुप्रयाग इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग बद्रीनाथ प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं बाएं तरफ ये बहुत बड़ा सा बस स्टैंड। यहाँ से लगभग सभी जगह का बस मिल जाता है, चाहे वो हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो या केदारनाथ हो या फिर देहरादून हो। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बद्रीनाथ में हूँ। तो बद्रीनाथ में हमारा कोई रूम बुकिंग नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर रूम देखना, और यहाँ पर रूम देख के रूम बुकिंग करके वहाँ पर रहना। तो यहाँ पर घूम फिर के थोड़ा देखता हूँ। वैसे भी तो यहाँ पर रूम काफ़ी है, फिर भी हमको देखना पड़ेगा थोड़ा बार्गेनिंग करके। बढ़िया क्वालिटी का जो रूम है वो हम कोशिश करेंगे लेने के लिए नॉर्मल प्राइस में। तो चलिए वीडियो का कंटिन्यू देखते रहिए, आगे जाकर बद्रीनाथ की और भी अपडेट सबको दूंगा। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ तो हम आ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको होटल लेना है। ये जो आप चारों ओर देख रहे हैं ये सब होटल है, तो इन्हीं में से एक होटल हमें चूज करना है, वो भी नॉर्मल प्राइस में। देखते हैं कहाँ पर मिलता है। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये होटल हम लोग लिए, एक दिन का भाड़ा लगा लगभग 2600 रुपया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत किस्म का होटल है, चाहे वो 2 स्टार 3 स्टार हो या फिर नॉर्मल होटल हो। ये जो देख रहे हैं आप सब घर मकान, ये सब एक्चुअली होटल ही है। तो जाते जाते ये होटल हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त हम बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर नहाएंगे गर्म पानी में। तो जाते जाते बद्रीनाथ गांव का ये नज़ारा मिला देखने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर ये गांव, ऊपर से एक झरना भी गिर रहा है। तो चलिए मैं आपको वहाँ का व्यू ठीक से दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स बद्रीनाथ गाँव, देखिए कितना खूबसूरत इसका नज़ारा। अलकनंदा नदी के ठीक उस पार बद्रीनाथ गाँव है। तो यहाँ पर चारों ओर पूरा फॉग भरा हुआ है, अगर मौसम साफ होता तो इसका नज़ारा और अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता। बद्रीनाथ आकर रूम में प्रवेश करके फ्रेश होकर हम अब जा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर की तरफ।
जाते जाते ये मार्केट हमको रास्ते में मिला। देखिए कितना बड़ा सा यहाँ पर मार्केट है। बद्रीनाथ का जो मार्केट है फ्रेंड्स, उस मार्केट का कुछ नज़ारा हम इस वीडियो में दिए हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। और कितना बड़ा सा यहाँ पर जो मार्केट है वो मार्केट में आप लोग देखिए। शॉपिंग तो वैसे भी आप लोग यहाँ पर कर ही सकते हैं, लेकिन ये मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है। और देखिए यहाँ पर खाने का दुकान से लेकर यहाँ पर कपड़ा का दुकान, यहाँ पर सब कुछ है। आपका मनपसंद चीज़ आप अगर ढूंढिएगा तो यहाँ पर आपको मिल ही सकता है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर घूम घूम के मार्केट में देख रहे हैं, उनका मनपसंद चीज वो ले रहे हैं। हम लोग बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और जाते जाते रास्ते के ये दोनों तरफ ये जो मार्केट लगा हुआ है, इस दुकान को देखते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। कितना सुंदर सा ये जगह है, देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर दुकान है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, इसका आगे जाके हम आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ मंदिर। हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी, इस नदी का उस पार ही है बद्रीनाथ मंदिर। और ये नदी को क्रॉस करने के लिए एक तो ब्रिज बनाया गया है, सामने आप देख रहे हैं वो ब्रिज, और वो रहे मंदिर। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम मंदिर तक। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बद्रीनाथ मंदिर के सामने आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो मंदिर, और मंदिर के सामने है अलकनंदा नदी। एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही मिल जाएगा बद्रीनाथ मंदिर। तो चलिए आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वो बद्रीनाथ मंदिर, जय हो बद्री विशाल जी का। देखिए काफी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं, और वो लोग पूजा देने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़ा हुए हैं। और एक बात फ्रेंड्स, आप अगर पूजा का डाली अगर लीजिएगा तो इस मंदिर के आसपास से लीजिएगा। यहाँ पर काफी सारे दुकान है जहाँ पर पूजा के डाली मिलता है। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हैं बद्रीनाथ का जो मौसम है वो मौसम ठीक नहीं है। चारों ओर देखिए कितना फॉग भर गया। अभी शाम के टाइम है, तो ये अगर फॉग नहीं रहता तो इसका जो चारों तरफ का जो नज़ारा है वो नज़ारा और अच्छा तरीके से आपको देखने के लिए मिलता। तो फिलहाल आप इस मंदिर को ही देखिए, कितना सुंदर ये मंदिर। बद्रीनाथ में आए और गर्म पानी में नहाना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स मेरा चार धाम यात्रा का 6 दिन का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट आने वाला 7 नंबर दिन का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बद्रीनाथ से लेकर माना विलेज, फिर माना विलेज से हम लोग सीधा जाएंगे रुद्रप्रयाग तक, क्योंकि हमें आगे जाना है गंगोत्री तक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।